आलस तो दोस्तों ज़िंदगी के अंदर इंसानियत का भी होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी बहुत कुछ मायने रखती है दोस्तों। कि दुनिया में दोस्तों हर एक इंसान बिजी अपने लाइफ के अंदर, हर इंसान को किसी के लिए टाइम नहीं है सिवाय अपने माँ बाप को छोड़ के अपने परिवार वालों। लालच आपको हमेशा आपके सपने का होना चाहिए, आपके इंसानियत का होना चाहिए, आपके एफर्ट का होना चाहिए, आपके पैशन का होना चाहिए, आपके हार्डवर्क का होना चाहिए। सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, दुआ करते उम्मीद करते दोस्तों। फिलहाल अभी आरू मेरे साथ में और खेल रही भाई यहाँ पे। आरू हाय करो, इधर देखो यहाँ पे पहले। हाँ यहाँ पे अभी फिलहाल आइए। तो रास्ते में अभी फिलहाल हम रुके और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी टीवी नहीं मोबाइल के स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर मैं आपके साथ में प्ले कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पिक्चर ऐसा है कि इतनी सारी भीड़ रास्ते पे, लोग जा रहे हैं मार्केट में, इधर से उधर अपना काम कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, लेकिन कहने की बात है कि इतनी सारी दुनिया की भीड़ में हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। गाइस हर कोई अपनी दुनिया में, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई अपने काम में बिजी है, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए? क्या ऐसे एटमॉस्फेयर होना चाहिए? लेकिन इस पॉइंट पे ये सारा पिक्चर देख के बहुत सारे सवाल माइंड के अंदर उठते हैं। मेरे माइंड में तो एक ही सवाल उठा भाई कि टाइम तो किसी के पास है नहीं अभी फ़िलहाल, और टाइम होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया बोलती है कि लालच एक बुरी बात, ग्रीडीनेस इंसान के अंदर होना नहीं चाहिए, लालच होना भी नहीं चाहिए। मैं भी यही कहूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लालच होना भी चाहिए। अभी आप सब लोग ये बात सुन के शायद सबको सरप्राइज लगा होगा या फिर अलग सा लगा होगा कि लालच क्यों होना चाहिए इंसान के अंदर। इंसान के अंदर लालच इसीलिए होना चाहिए, वो पैसों का नहीं, या किसी को मारने का नहीं, या किसी के बारे में गलत सोचने का नहीं, नेगेटिव सोचने का नहीं। लालच इंसान के अंदर इसलिए होना चाहिए दोस्तों, उसको एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे भी मेरे सपने को पूरा करना है, मुझे भी मेरे गोल को पूरा करना है। जो लोगों का ड्रीम होता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, वो चीज़ का आपको लालच होना चाहिए, जिस लालच से आप आपकी ज़िंदगी का गोल अचीव कर सकते और आपके गोल के थ्रू आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकते, उनके सामने उनकी नज़र में एक प्राउड फीलिंग कर सकते। तो इस चीज़ का आपको लालच होना चाहिए। दुनिया में दोस्तों हर एक इंसान बिजी अपने लाइफ के अंदर, हर इंसान को किसी के लिए टाइम नहीं है सिवाय अपने माँ बाप को छोड़ के अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों को भी फिलहाल अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, कुछ दोस्तों को बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी है। ठीक है, सो एक्चुअली क्या है कि यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि लालच सच में होना चाहिए, लेकिन कुछ लिमिटेड और कुछ चीज़ों के अंदर ही होना चाहिए हो, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी गलत बातें होती है, उसका लालच आपके माइंड में कभी मत रखना। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, लेकिन लालच आपको हमेशा आपके सपने का होना चाहिए, आपके इंसानियत का होना चाहिए, आपके एफर्ट का होना चाहिए, आपके पैशन का होना चाहिए, आपके हार्डवर्क का होना चाहिए, आपके अपनों के लिए कुछ कर दिखाने का होना चाहिए। यही होता है लालच, जो पॉजिटिव और अच्छा आपकी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएगा। तो ज़िंदगी की ये भीड़ में लोग इधर से उधर अपनी ज़िंदगी को दौड़ रहे, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा आजकल, ना तो टाइम रुक रहा है, ना लोग रुक रहे, ना अपने रुकने। बस आपको आपकी ज़िंदगी के मुकाम पे पहुंचाएगा तो आपका सिर्फ पैशन, आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट और आपका लालच। सो यही दोस्तों आज की सोच थी, इस पब्लिक को देख के, इस भीड़ को देख के मेरे माइंड के अंदर जो आया वो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया। सो वीडियो लालच रखना भी चाहिए, नहीं भी रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए और किसका रखना चाहिए वो मैंने आपको अभी शेयर कर दिया है। तो लालच एक बुरी बात है, लालच लेकिन एक अच्छी भी बात है, अगर आप उसे पॉजिटिव लेते हो, कुछ कर दिखाने का दम रखते हो, किस चाहत रखते हो कोई गोल की, कोई अचीवमेंट की, तो वो लालच आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन होगा, वो आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही लालच ज़िंदगी में रखो हमेशा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत सारा मोटिवेट देता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी सोच या फिर अच्छी रियलिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बी हैप्पी ऑलवेज।